साथियों, इस वक्त मैं श्रीनगर गढ़वाल के सिद्धपीठ भगवान शिव जी के श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर में हूँ। श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर का अपना एक इतिहास है। इतना बड़ा इतिहास समेटे ये मंदिर आज सरकार की उपेक्षा से पीड़ित है। आज सरकार ने इस तरह के उत्तराखंड के मंदिरों को उपेक्षित किया हुआ है। सरकार का सिर्फ ध्यान चारधाम यात्राओं पर रहा है। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, जब भी चुनाव रहे होंगे दोनों पार्टियों के बड़े से बड़े नेता महादेव के दर्शन करने यहां पहुंचे हैं। हाल ही में चाहे मुख्यमंत्री जी यहां पर आए थे, इससे पहले पूर्व के सभी मुख्यमंत्री यहां पर दर्शन करने आए, जीत का आशीर्वाद लेने आए। लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जब सरकारें इनकी तैयार हो जाती है शासन चलाने के लिए, तब ये मंदिर और मठों को भूल जाते हैं। आज कमलेश्वर महादेव मंदिर जैसे कई मंदिर उत्तराखंड के अंदर इस उपेक्षा का शिकार हैं। आपसे निवेदन है, आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की इस मुहिम में उत्तराखंड के जनता के सहयोग की आवश्यकता है। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहते हैं, इन दोनों सरकारों में उत्तराखंड को इन सरकारों के माध्यम से बढ़ता हुआ नशा, बढ़ती हुई बेरोजगारी और घटता हुआ अध्यात्म ही मिला है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही निश्चित तौर पर हमारे मठ मंदिरों को ताकत मिलेगी, साधु संतों को ताकत मिलेगी। देवस्थानम जैसे, तुगलकी फरमान जैसे बोर्ड जो उत्तराखंड की जनता के ऊपर, मठ मंदिरों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, इसको हटाने के लिए आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है। मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो पर जो आपको वेबसाइट का लिंक दिखाई दे रहा है, spiritualcapitaluttarakhand.com, इस पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए और अपने सुझाव आम आदमी पार्टी को भेजिए कि कैसे इस मुहिम में, इस अभियान में आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड की जनता मिलकर के सफलता प्राप्त करेगी। जय भारत, जय उत्तराखंड।